औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जैतापुर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में पुत्री को दहेज के खातिर जलाकर मार दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। ग्राम जैतापुर के मौजा मिर्जापुर निवासी कृष्ण कुमार पुत्र शिवनाथ सिंह ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने अपनी पुत्री लक्ष्मी देवी की शादी 5 मार्च 2016 को हिंदू रीति रिवाज के साथ नंदलाल पुत्र कमलेश बाबू निवासी मालेपुर के साथ की। शादी में क्षमता के अनुसार दान दहेज दिया। शादी के दौरान ही पुत्री के ससुराली जनों ने कम दहेज दिए जाने की बात कही और कहा 3 लाख रुपए उन्हें और चाहिए, नहीं तो उनकी बेटी को चैन से ना रहने देंगे। पीड़ित ने बताया ससुराल पहुंचने के बाद उसे परेशान भी लगातार किया जाने लगा। इसके साथ ही आरोपी लगातार पैसों की मांग करने लगे। वहीं पुत्री को विदा कराते वक्त उन्होंने 50,000 रुपए अपने पुत्र के हाथ भेजे। ससुराल जने ने रुपए लिए और कुछ दिनों तक पुत्री लक्ष्मी को सही सलामत रखा, मगर उसके बाद लोग उसे प्रताड़ित करने लगे, शेष रुपए की मांग शुरू कर दी। 30 अक्टूबर को अपनी पुत्री के घर गए। पुत्री ने मारपीट किए जाने की बात बताई, जिस पर उसने ससुराली जनों को समझाया और शेष रुपए जल्द ही देने की बात कही। लेकिन 1 नवंबर को लगभग 3 बजे गांव के एक व्यक्ति ने फोन द्वारा सूचना दी कि उनकी पुत्री आग में जल गई। इस पर आनन फानन में गांव पहुंचे, जहां से जानकारी मिली कि उसे सैफई ले जाया गया। सैफई जाकर पता किया तो कानपुर होने की जानकारी प्राप्त हुई। कानपुर में कई अस्पतालों में खोजबीन की, मगर उसकी कोई सूचना ना मिली। काफी वक्त बाद उसे जानकारी मिली कि उर्सला अस्पताल में भर्ती है। वहां पहुंचे तो पुत्री ने बताया कि पति व सास ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और ससुर द्वारा आग लगा दी गई। ससुराली जनों ने धमकी दी, अगर ये बयान किसी और को दिया तो उसका उपचार नहीं कराएंगे, जिससे वो दबाव में आ गई। 6 नवंबर 2020 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित ने पुलिस को नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की तहरीर भी दी है। ये सास और उनके ससुर ने नाम का मिट्टी की दाल जला के जला दिया। हम लोगों को कम से कम लगभग 3 घंटे के बाद सूचना मिली किसी गांव के दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो हम लोग वहाँ से गांव के बहुत सारे लोग साथ में वहाँ पे हम लोग गए। मालेपुर में मुझे पता चला कि जो हमारी पुत्री है उसको लेके नाम का सैफई ले गए हैं। सैफई में हम लोग पहुँचे तो वहाँ हम लोगों को उन्होंने मिलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। और वहाँ पे उन्होंने फिर उसके 2-4 दिन इलाज मिला, उसके बाद वो लोग कानपुर लेके चले गए। इलाज उन्होंने पुत्री का सही से कराया नहीं, इसी वजह से हमारी पुत्री 6/11/2020 को नाम का है उर्सला अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्होंने दहेज की खातिर हमारी एक पुत्री को जलाकर मार डाला है। शादी के कितने साल हुई थी? शादी को 5 मार्च 2016 को संपन्न हुई थी। क्या बच्चे भी हैं? हाँ, दो बच्चे हुए हैं, 1.5 साल का बच्चा है, 1 साढ़े 3 साल या 4 साल, 3.5 साल का बच्चा। आज आज कोतवाली की भर आया, आपका मुकदमा लिखा गया? हमारी पुत्री 6 तारीख को नाम का मृत्यु हुई थी। हम वहाँ पे कोतवाली में आए तो वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमको टाल दिया गया कि आपकी सुनवाई कल होगी। हम कल सुबह प्रातः 7/11/2020 को आए, हमारी वहाँ तब भी सुनवाई नहीं हुई कि हम आपकी रिपोर्ट लिख लेंगे। 24 घंटे बीच जाने के बाद मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना तो हमारा मुकदमा लिखा गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ प्रेजेंट हैं, 200 आदमी आए थे, 100-150 औरतें आई थी। किस गांव से आए आप लोग? हम लोग मिर्जापुर बैरम साहब पोस्ट जैतापुर थाना औरैया से आए हुए हैं। अब क्या आश्वासन मिला आपको? अब आश्वासन मिला कि 2 घंटे के बाद हमको रिपोर्ट लिख ली जाएगी और नाम का आश्वासन दिया जा रहा है, कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ तक ही नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको इतनी कठोर सजा मिले कि फांसी हो या उम्र कैद की सजा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।